हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। के हाल चाल है थारा? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, बढ़िया तैयारी चल रही होगी, है ना। तो आज एक और राजस्थान जी के को टेस्ट करांगा, बहुत ही बढ़िया वालों। टोटल जो है वो 80% है और सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में बार बार जगह रिपीट हुए हैं या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके भाई क्वेश्चन पूछ ले हुए, राइट। और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं लेकिन ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देना है कमेंट करके, और हो सके तो लाइक शेयर कर दिया जो भी थारो स्कोर बने। हालांकि टारगेट है वो ज़्यादा को रखा, मात्र 50% है कि कम से कम 50% तो थे सही करोगा ही करोगा, राइट। क्लास के बाद में अगर PDF लेनी हुआ है रीजन करने खाता तो PDF एक ही जगह मिला हमेशा, बट टेलीग्राम पर ज्वाइन क्या करना है वो भी थाने पता है। चाहे तो टेलीग्राम पर जाके वो नाम सर्च कर लिया प्रहला सारण के सर के नाम हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानो है बट लिंक दे रहे हैं, पर क्लिक करोगा तो डायरेक्ट जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, राइट। तो करा शुरुआत, देखा कि तो राजस्थान जी के थारो तैयार हैं और कितना थे सही कर सको। और ये पहला प्रश्न कि राजस्थान में तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर यानी चांदी पर मीनाकारी करी जावे जो कि राजस्थान में कटक ही प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की है और नाथद्वारा कटक है राजसमंद में है, और नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है, सरनाथ जी का मंदिर है, सांझी भी प्रसिद्ध है वहाँ की, आपको याद है पिछवाई कला भी कटक ही प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की है। अच्छा, चंपाकली एक आभूषण है और शरीर के कौन से अंग में पहनते हैं। चंपाकली गले को यानी गर्दन को, गर्दन में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। अच्छा, भील जनजाति में काछबू या कछाऊ होता है कौन पहनते एक वस्त्र का नाम है। कछाऊ जो है ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले एक वस्त्र का नाम है, जैसे बिलों में एक होता है पोत्या, पोत्या आप जानते हो कि वह सापन कहते, एक डेपाड़ा शब्द बहुत बार आवा डेपाड़ा के वह तंग धोती वह, ठीक है, बिन डेपाड़ा कहते वहाँ। अच्छा, तारा बांध की ओढ़नी है अब राजस्थान की कौन सी स्त्रियों में ज़्यादा लोकप्रिय वेशभूषा है। तो तारा बांध की ओढ़नी थे जानो कौन आदिवासी महिलाओं में, वो भी कौन अविवाहित बालिकाएं जो होती है, कुंवारी कन्याएं जो होती है उनके द्वारा। अच्छा, एकलव्य एक योजना है आज क्यों शुरू की गई, मुख्य लक्ष्य क्यों हो। तो ये खासतौर से जनजाति के छात्र हैं उनको खेल प्रशिक्षण देने के लिए, जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देने के लिए, तीन आपका सही है। अच्छा, सुमिलित करना है, एक साइड में जनजाति दे रखी है और दूसरी साइड में बस जनजाति कौन से स्थान पर रहा है वो मिलान करना है। तो पहले ये ग्रासिया, ग्रासिया कट रहे थे जानो, ग्रासिया जनजाति कहाँ पर रहती है, सिरोही में ज़्यादा रहे और सिरोही में आबू रोड सिरोही यानी एक हो जाएगा। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति थे जानो मुलुकू गुजरात की है और राजस्थान में डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति जड़जादा रहा है, तो दो में दो कर दो। सैरिया जनजाति कहाँ रहती है, बारह में, बारह में किशनगंज शाहबाज वाला एरिया, तो सैरिया जनजाति किशनगंज में। और सांसी जनजाति है वो भरतपुर में रहा है, यानी एक दो तीन चार ही सही है, तो एक दो तीन चार में पहला ऑप्शन सारो सही है। अच्छा, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। देखो, सबसे ज़्यादा जनजाति उदयपुर में, सबसे कम है बीकानेर में, लेकिन प्रतिशत की कम की बात करांगा तो नागौर में प्रतिशत है वो कम है, वो क्वेश्चन रीट में भी आयो। अच्छा, मीना और भील के पश्चात में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। राजस्थान में सहनू ज़्यादा मीना है एक नंबर पर, दो नंबर पर भील है और तीन पर गरासिया है, ठीक है, गरासिया जनजाति तीसरे नंबर पर आवा है और खट्टा ज़्यादा रहा है, सिरोही में सभी में ज़्यादा रहा है। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं बल्कि ये बख्तरबंद है, कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहते हैं। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि बाकी अन्य दुर्ग सारे नंगे हैं बल्कि ये बख्तरबंद है। ओके, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। धाराधारगढ़ जो है वो चोमुहागढ़ को कहते हैं, यानी चोमुहो किलो है बिनी चुचियारा सही है। अच्छा, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार है, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है। तो ये स्वाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग है, वहाँ के एक शासक हुए थे हमीर चौहान, ठीक है, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ठीक है, तो राइट आंसर की है एक नंबर सही है। अच्छा, जल दुर्ग कहाँ पर है, जल दुर्ग कौन सा है जो चारों तरफ जल गिरड़ो है। तो काली सिंधाहू नदी जो है आज्ञा संगम पर एक दुर्ग है, यानी काली सिंधाहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, और किस प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग है। जल दुर्ग ने एक और शब्द कह इसको औदक दुर्ग भी कह दियो, एक ही बात है। अच्छा, किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे, तो इसमें गागरोन का किला हो जाएगा आपका। अच्छा, वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद जब खत्म हो गया था तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है। तो चूरू का किला है, चूरू का किला जो कि चूरू में है। अच्छा, जय महल जयपुर के बारे में आपको तीन कथन दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा ठीक है, ठीक है। ये जय महल नहीं है, हवा महल है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो इसको कर दीजिए। हवा महल के बारे में बताओ सही, पल है कि हवा महल की आठ मंजिल है,
सही है कि गलत है? हाँ, बात तो गलत लग गया क्योंकि 5 मंजिल है तो पालो तो गलत हो गया। अब महल है वो स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, आ बात साची है 1799 में बनवायो हो। वह महल में 953 जरोका है और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियाँ हैं, तो आ बात भी सही है। यानी दूसरों तीसरों तो सही है, गलत कौन सा है? पालो गलत है, सुमिलित करना है। अलग अलग पर्यटन स्थल दे रखे हैं, महल दे रखे हैं और समय दे रखे हैं जगह को नाम के, कौन से जगह पर है, कौन से स्थान पर है। तो पालो है फतेह प्रकाश पैलेस खट्टे बी चित्तौड़गढ़ में, गए वो है चित्तौड़गढ़ में तो बी कर दो। सुख महल है वो खट्टे बूंदी में है तो डी कर दो। केसव विलास महल कहाँ पर है? सिरोही में, तो ए कर दो। और किशोरी महल कहाँ पर है? भरतपुर में, तो सी कर दो। यानी बी डी ए सी, बी डी ए सी करोगा तो 2 नंबर सही है। अच्छा, गोरा दाई की छतरी है इंगो निर्माण कर्ण करवायो। अच्छा, अभी बता दो खटे, तो यह जोधपुर में है, ठीक है। राजा अजीत सिंह करवायो, और राजा अजीत सिंह को क्या कहते हैं? कान का कच्चा शासक कहते हैं। अच्छा, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? देखो, अलग अलग रियासत में जगह शासक होया बांगो एक साई शमशान घाट है, समाधि बनेड़ी है, जो अलग अलग छतरियाँ है। जैसे देवी कुंड की छतरियाँ है ए बीकानेर के शासक की है, जयपुर में कछवामास के शासकों ने शासन किया था, बांगी छतरियाँ गेटोर की छतरियाँ, जैसलमेर में बाटीवास ने शासन करे हो, बांगी छतरियाँ बड़ाबाग की छतरियाँ, उदयपुर में सिसोदिया शाखा थी जांगी छतरियाँ है आहाड़ की छतरियाँ। अच्छा, क्षत्रिय संयुक्त 66 क्षत्रिय संयुक्त सारबाग के शहर में है, ये भी एक वहाँ के शासकों का साई शमशान घाट आप कह सकते हो। यानी बूंदी के शासकों का साई शमशान घाट कौन सा है? तो सारबाग की छत्रियाँ आती है, तो राइट आंसर की हो जाएगा, भी एक सही है। अच्छा, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडलीदास ये चित्रकला के चित्रकार हैं। कौन सी चित्रकला के हैं? भी ये किशनगढ़ चित्र शैली के हैं। अच्छा, कलीला दमना है वो क्या है, किसका नाम है? तो ये एक्चुअल में मेवाड़ चित्र शैली के 2 पात्र हैं। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है, एक आपका सही है। और मेवाड़ चित्र शैली तो जानो, राजस्थान की सैनों प्राचीन चित्र शैली है, मूल चित्र शैली है, प्रारंभिक चित्र शैली है, किंग टाइम पर शुरू हुई, तेज सिंह टाइम पर हुई, कद 1260 में। और भट्टा को सैनों प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कण रचित करो कमल चंद्र। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र है वो किस शासक के शासनकाल में बने थे? तो ये बने थे जगत सिंह के टाइम पर। और मेवाड़ चित्रकला को स्वर्णकाल भी किंग टाइम को माना, जगत सिंह के टाइम को। राजस्थानी विचारधारा की चित्रशैली है वो कौन सी चित्रशैली ने कमा या आरंभिक मुख्य केंद्र की ने माना? तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला शैली है वो बूंदी चित्रशैली कहलावा है। एक और नाम हो भी जाना, क्या नाम हो? पशु पक्षियों की चित्रशैली किन कमा? बूंदी ने। चलो मिलान करना है, भी अलग अलग चित्रशैली है और सामने दे रखे हैं चित्र। तो ना द्वारा को प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भी तो ना द्वारा में आप पिछवाई कला प्रसिद्ध है, तो 2 कर 2। किशनगढ़ को चित्रशैली थे जानो, बनी ठनी है, और जोधपुर की डोला मारो। यानी 2, 3, 1 यानी डी है वो सही है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश है किसने लिखा था? तो राजस्थानी शब्दकोश है वो सीताराम लाल सिंह ने, एक सही है। अचलदास खिंचरी वचनिका में कहाँ का इतिहास मिलता है? अचलदास खिंचरी वचनिका जो है उसमें हमें कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है? गागरौन का इतिहास देखने को मिलता है। आप बताओ अचलदास खिंचरी वचनिका किसने लिखी थी? कमेंट कर दिया। चलो, अलग अलग साहित्य रचना है और सामने साहित्यकार है, तो मिलान करना है, बड़ो प्यारा सो क्वेश्चन है भी। यानी गलत जोड़ी की पहचान करनी है। बादली है चंद्र प्रकाश जी की, हटा दो। राधा सत्य प्रकाश जोशी ठीक है, मेघमाल है सुमेर सिंह जी का ठीक है, बाथार भूगोल हरीश बादानी ठीक है, तो पहला हो जाएगा राइट आंसर, पहला सही है। क्रांतिकारी एक रचना है चेतावनी रचुगुठा, कण लिखी केसरी सी बाट लिखी, किता सोटा में 1300 में, की खातर लिखी मेवाड़ के माणा पति सी खातर, क्या खातर? दिल्ली के दरबार में जाड़ो रोकने खातर। कर्णिस्तक, चुंडास्तक और आड़िस्तक ये 3 पुस्तकों का नाम है, बताओ कण लिखी भी? ए पुस्तक लिखी नातूसी महियारिया जी। ओके, वीर सत्सई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र जी हैं। और बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास जी आते हैं, बीकानेर के राठौड़ों ख्यात यानी एक है वो सही है। हमीर रासो है वो कौन सी भाषा में लिखी जोड़ है? हमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, एक सही है, 4 सही है। इनमें से किस राजपूत शासक ने नेत्रंग की रचना की थी? क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, नेत्रंग लिखा था बुद्ध सिंह जी ने, राव बुद्ध सिंह जी, 4 सही है। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा सुबोध नहीं है? राज्यपाल जी का कौन सा पद नहीं आता इनमें? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल जी होते, ठीक है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं? राज्यपाल जी होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल जी होते, सही है। अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं क्या? नहीं होते, तो 4 नंबर हटा दीजिए। राजस्थान के पूर्व व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन थे? भी तो इनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यपाल जी होते हैं। सर, इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? राज्यपाल जी, एक आपका सही है।
अगला है कि इनमें से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे? कौन नहीं रहे? जगत नारायण जी रहे हैं, वेदपाल त्यागी जी भी हैं, केडी शर्मा जी भी हैं, अंशुमान सिंह जी नहीं है, चार सही है। अच्छा, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के कौन से संविधान में भी? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के जो प्रावधान है वो 164 में है, एक सही है। और राज्य में संसदीय सचिव है वो किसके समक्ष है, शपथ लेता है? संसदीय सचिव है वो शपथ किएंगे सामने अभी मुख्यमंत्री के सामने, एक आप दो सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ बनी हुई है, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो तीन सही है। अच्छा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन रीट में भी आया था अगर आपको याद है। तो अस्पष्ट बहुमत होने की वजह जो राष्ट्रपति शासन लागू हो वो कल लागू, पहली बार 1967 का महीना। और कृष्णा पूनिया का संबंध है वो कौन से खेल से है? राजस्थान कृष्णा पूनिया है उनका संबंध है वो डिस्कस थ्रो से, एक सही है। राजस्थान में गोरवी सिंघवी जो है वो उनका संबंध है वो कौन से एथलेटिक्स से है, किस स्पर्धा से आता है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। और शगुन चौधरी है वो निशानेबाजी के किस स्पर्धा में? शगुन चौधरी जी जो हैं उनका संबंध है वो है डबल ट्रेप से, यानी तीन सही है। राजस्थान में लोक नृत्य है उनके प्रचलन क्षेत्र देर के हैं, तो सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। क्या बताना है? अलग अलग गिद्ध नृत्य सेकावटी मुगे वह डोल जालोर में वह बमर से बीकानेर में कौन ही वह बमरसिया वह भरतपुर में बीकानेर में अग्नि नृत्य वह डांडिया मारवाड़ में सही है, तो गलत किया है, तीन नंबर। इनमें से कौन सा नृत्य सेकावाटी का नहीं है? बम नृत्य सेकावाटी में नहीं होता, कच्ची घोड़ी हुआ है, गिदड़ भी हुआ है, चंग नृत्य भी हुआ है, डफल नृत्य भी हुआ है, लहूर नृत्य भी हुआ है, सारा सेकावाटी में, बम नृत्य भरतपुर में हुआ भी। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग का पतन 1301 में 11 जुलाई 1301 को, राजस्थान का जो पहले साकू हो, एकमात्र जल जोर भी हो, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करो और शासन कुन करो बेटा अमीर चौहान शासन कर रहे थे। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, इसकी मोर की आकृति के समान है, तो मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए या मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा जी ने। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर में सही है, नारगढ़ अजमेर में नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, लोहगढ़ भरतपुर सही है। नारगढ़ या तो बारा में है या जयपुर में, दो है। किस किले को तारागढ़ के नाम से जानते हैं? तो बूंदी का किला तारागढ़ कहलाता है और अजमेर का भी किला तारागढ़ कहलाता है। असत्य कथन की पहचान करो कि कौन सा कथन जो है वो असत्य लगे या निगलत लगे। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला जाता है, साची बात है। काष्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, गलत है। बांसवाड़ा में चंदू जी का गड्ढा और डूंगरपुर में बोड़ीगामा गांव जो है वो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और राजस्थान की हस्तकलाओं को आगा रूप से जाना जाता है, सही है, तो गलत किया है, दो नंबर। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेवरा जैसलमेर। झीलों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भी उदयपुर, व्हाइट सिटी कह दो, झीलों की नगरी कह दो, दोनों ही सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों जावा है? एक ही जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर से, एक ही जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर से, एक सही है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है उनका संबंध कौन कौन सी जिलों से, यानी कौन कौन सी जिले हैं जो इस क्षेत्र से जाते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभी कोटा है, बूंदी है, सवाईमाधोपुर और धौलपुर है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005 और 2006 में शुरू किया गया था। तो मगरा क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं? तो मगरा क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे? अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, पाली और राजसमंद है, यानी एक नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थान में मथानिया जगह जो है वो जोधपुर में है। यहाँ पर जो ऊर्जा परियोजना है वो किस पर आधारित है? तो मथानिया मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजना है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह है वो जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह है वो है छबड़ा और सूरतगढ़ में, तीन सही है। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो अमलानंद गोष्ठी को जानता है, आप जानते हो अमलानंद गोष्ठी, ठीक है, यानी चार सही है। अच्छा, इनमें से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी जो कहा था वो दशरथ शर्मा जी ने कहा था। राजस्थान के किस स्थान पर सिंधुकालीन अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं, चार सही है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ पे भी? गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे पे है, ताम्रगिन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, पुरातत्व का पूस्कर भी कह दिया वहाँ। अगला है कि अभिलेख कौन सा है जहाँ पर सबसे प्राचीन भागवत संप्रदाय के यानी वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी जो मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? भी गोसुंडी के अभिलेखों मिले।
श्री सरस्वती पुस्तकालय जो कि अलभ्य और दुर्लभ साहित्यकार ए प्रतिम खजाना है, तो सरस्वती पुस्तकालय जो है वो है कटे और फतेहपुर में, फतेहपुर कटे सीकर में। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई जयसी सेकंड ने करवाया था, जिनको हम क्या कहते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? रामसी सेकंड ने, स्वाई रामसी सेकंड ने। अच्छा, जोधपुर में रूपायन संस्थान का काम क्या है? सॉरी, ये तो ये आता है कि रूपायन संस्थान हैक्ट है जोधपुर में और काम किया है लोक संस्कृति का उन्नयन करने के लिए, दो सही है। और रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थानी कला का संकलन करना, कह दीजिए की बात है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, यानी इतिहासकार भी आ समाज सुधारक भी आ, हरिविलास शारदा जी अजमेर हुआ, तो समाज सुधारक यहाँ शारदा एक्ट इन्हीं के प्रयासों से आया था। शारदा एक्ट के जानो ना बाल विवाहों संबंधित हो। राजस्थान पोथीगढ़ अध्ययन केंद्र जो है वो किस देश की सहायता से खोला जाएगा? पोथीगढ़ अध्ययन केंद्र है ये किसकी सहायता से? जापान के सहयोग से। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? जालौर में सोनग्रा चौहान ने शासन किया था, वस्त्रराज नहीं है, प्रत्यार वंश के शासक रहे थे, कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह जो है। अच्छा, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, कितने कोषों में है? 5 कोषों में ग्रंथ है। और किस काल के किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, यानी कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें यह कहा गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई है, चौहानों की उत्पत्ति? बिजोलिया शिलालेख में है, ये बिजोलिया भीलवाड़ा में है। महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? देखो, पहली बार हुआ था गोगुंदा में और दूसरी बार जो विद्युत रूप से हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है और किन समर्पित है? विष्णु भगवान ने समर्पित है। मालवा यानी मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, उसकी जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। अगला कि बीकानेर को कौन सा शासक हो जग के अकबर की और जहांगीर की दोनों की सेवा करी? तो महाराजा राय सिंह जी थे, राय सिंह जी जिन्हें महाराजा की उपाधि कर दी अकबर दी, बीकानेर किले को निर्माण भी आई करवाए हो। 8वीं से 10वीं शताब्दी के राजस्थान में किस राजपूत राज्य का वर्चस्व रहा था? तो ये तो आप जानते हो किसका रहा था, भी प्रत्यारों का था 8वीं से 10वीं शताब्दी में। और जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसी के प्रसिद्ध दरबार में विद्याधर कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जी, जिन्हें बंगाली बाबा भी कहते हैं, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो है वो सही आंसर है। तो कुछ ज़्यादा स्पीड के साथ हो गया, तो मात्र 17 मिनट में था ना जो है टॉप 80 क्वेश्चन को आंसर हो गया। आप थे बताओ कि कितना थे वो सही कर दिया। जो को भी स्कोर बने ना, ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं लेना है, जब 20 सही किया है, 30 है, 40 है, जितना भी सही किया है कमेंट करके बता दिया। PDF लेना हो जी करें ले लिया, जो कि रिविजन करने खातिर जरूरी है, बात हम टेलीग्राम पर मिल जाओगी, जिसका कोई लिंक है पर आसान सर का था। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं करे तो कर लिया। इनके अलावा तो कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, कोई शिकायत करनी है, तो वो फेसबुक पेज को लिंक है, वो है इंस्टाग्राम को लिंक, आना वो सर्च करोगा तो मिल जाएगा, बटे भी ज्वाइन करके मैसेज कर सको। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लगे है, थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद लगे तो लाइक शेयर कर दो और फिर मिला कल एक नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे। थैंक यू।